तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं क्वीन वॉक का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज क्वीन वॉक से निकालने के लिए, इसलिए फ्रेंड्स आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। अटैक की तरफ जाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी चैनल पर न्यू आ रहे हो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साइड का बेल आइकन को एक्टिव करके ऑल पर रख लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक भी कर देना क्योंकि आपका लाइक से बहुत ज्यादा हौसला मिलता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि 50,000 फैमिली हमारा कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि टाउन एल 9 का बेस अपॉर्चुनिटी में मिला है एंड देख सकते हो 14 ट्रॉफी के साथ। तो मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा इससे 3 स्टार लेने के लिए। ओके अपना क्वीन चार्ज सही हो गया तो यार ये वाला बेस को हम 3 स्टार कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक लेफ्ट एंड राइट में एक बेबी ड्रैगन छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा जो क्वीन भाभी है वो भटके नहीं, वो बिल्कुल कोर के अंदर आ जाए। दोनों साइड में मैं कुछ बैलून को छोड़ चुका हूँ जिसके वजह से जो डार्क एयर माइन होते हैं वो ट्रिगर हो जाए एंड हो भी गया देख सकते हो, क्योंकि हीलर का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हीलर मर जाएंगे तो क्वीन चार्ज ठीक से नहीं होगा। तो देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल सही जा रहा है, हमको एक रेज भी ड्रॉप करना पड़ा था एंड यहाँ से देख सकते हो वॉल ब्रेकर भी रेज में आकर बहुत अच्छे तरीके से वॉल को ओपन कर चुके हैं एंड यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से क्वीन भाभी वैल्यू निकाल रहे हैं। इनमी का क्लान क्रिस्टल से कुछ निकलेगा कि नहीं पता नहीं, बट मैं अपना शिष्य में लेके रखा हूँ एक मैक्स लेवल का इलेक्ट्रो ड्रैगन जो कि टाउन एल 9 का बेस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बस डार्क माइंड का सामना ना करना पड़े इलेक्ट्रो ड्रैगन। तो चलिए मैं यहाँ से इलेक्ट्रो ड्रैगन को भी ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि टाइम का भी इशू हो सकता है यहाँ से। तो बेबी ड्रैगन थोड़ा सा फनेलिंग करेंगे। ओके तो यहाँ से अच्छा तरीका, अरे भाई सीसी इनमिक सीसी से भी इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल के आ गया। तो चलो मैं रेस दे देता हूँ, यहाँ से एक फ्रीज ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा एयर स्वीपर भी बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। तो चलो यार फाइनली ये इनमिक का जो इलेक्ट्रो ड्रैगन डाउन हो चुका है एंड यहाँ से भाई टाउन एल निकलना चाहिए इलेक्ट्रो ड्रैगन से। ओ भाई एयर डिफेंस भी निकल गया यार, बहुत अच्छा, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो यहाँ से क्वीन वॉक बहुत अच्छे तरीके से जा रहे देख सकते हो। अभी भी मेरे पास 6 बेबी ड्रैगन है, उसके साथ साथ किंग भी है, टाइम भी बहुत ज्यादा है देख सकते हो। बेस मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से खाली हो चुका है यार। इलेक्ट्रो ड्रैगन मैंने बोला था ना टाउन एल 9 में थोड़ा सा सर्वाइव कर ले तो यार ओपी, यार ओपी जैसे बोल दिया, इलेक्ट्रो ड्रैगन मर गया। ओके कोई नहीं, तो यहाँ से क्वीन भाभी तो अभी रुकने वाली नहीं है क्योंकि वो तो आज ये बेस को ट्रिपल करके ही रहेंगे। तो देख सकते हो यार ए टू जेड आज क्वीन भाभी सर्वाइव करेंगे बेस में। ये तो टाउन एल 9 था इसलिए फ्रेंड्स कोई इन्फोर्नो के साथ क्वीन भाभी का मुलाकात नहीं हुआ, नहीं तो यार कोई टाउन एल 10 या 11 बेस का जो सिंगल इन्फोर्नो होता है ना यार, उससे यार क्वीन भाभी को बचाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मल्टी इन्फोर्नो से ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा बहुत यार हीलर को बचाना रहता है, बट सिंगल इन्फोर्नो से यार बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है क्योंकि 2 ही फ्रीज स्पेल लेके रखते हैं हम एंड एबिलिटी एक बार ही यूज कर सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ज्यादातर टिक नहीं पाता है सिंगल इन्फोर्नो के सामने क्वीन भाभी। ओके तो यहाँ से मैं बेबी ड्रैगन को छोड़ देता हूँ क्योंकि यार नहीं तो एडिट करना पड़ेगा मुझे बाद में आर्मी को। यहाँ से 3 स्टार 14 ट्रॉफी के साथ अभी ये वाला बेस देखिए फ्रेंड्स टाउन एल 11 का फुल्ली मैक्स आउट है। टाउन एल 12 के लिए अपग्रेड लगाया है एंड वॉल थोड़ा अपग्रेड नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, बेस देख सकते हो गाइस बहुत अच्छा। लेकिन आउटसाइड बहुत ज्यादा बिल्डिंग है जिससे हमको यार परसेंटेज गेन करने के लिए हेल्प हो जाएगा। ये वाला अटैक में मैंने क्वीन वॉक शुरू किया था 12:08 के तरफ। ओके सबसे पहले देख सकते हो मैं यहाँ से एक ड्रैगन छोड़कर यहाँ से जितना भी आउटसाइड बिल्डिंग था ना मैंने क्लियर कर दिया। ये बिल्डिंग नहीं करता तो क्या होता ना, क्वीन भाभी साइड में घूम जाते हैं तो टाउन एल को कोई नहीं लेता। ओके आप भी ट्राई करना क्वीन वॉक से ही टाउन एल को डाउन करने के लिए, इससे क्या होता है
या टाउनल तो मिल जाते, उसके बाद बेबी ड्रैगन आप अच्छे से यूज करके टू स्टार के लिए परसेंटेज ले सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो क्वीन भाभी का अंदर घुसने के लिए पाथ बन चुका है। तो मुझे अभी क्वीन भाभी को मैंने यहाँ से छोड़ दिया एंड हीलर भी छोड़ दिया, तो देख सकते हो डायरेक्ट क्वीन भाभी अंदर घुस चुके हैं। तो अभी टाउनल को भी डाउन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमको थोड़ा सा रेज जब जरूरत है तब देना पड़ेगा, नहीं तो यार हमारा सर के सारे प्लान जो यहाँ से फेल हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, आप पुशिंग के दौरान याद रखना, आप जब बेबी ड्रैगन छोड़ते हो ना परसेंटेज लेने के लिए, तो वो जल्दबाजी में मत छोड़ना। इससे क्या होगा, आप जल्दबाजी में छोड़ दोगे तो यार ईगल जो है ना एक्टिव हो जाएगा। तो गाइस वंस ईगल एक्टिव होने के बाद ना खतरनाक डैमेज देता है, उससे क्या होगा आपका क्वीन वर्क से भी प्रॉब्लम आ सकता है एंड ढूंढ ढूंढ कर वो एक एक को मारता रहेगा। अभी देख सकते हो क्वीन भाभी का मुलाकात सिंगल इन्फर्नो से हो चुका है। मैं कुछ समय के लिए एक फ्रीज डाला था, फिर से एक फ्रीज डाल दिया, तो अभी एक रेस देना पड़ा था, रेस मैंने दे दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे पास बैलून्स है, तो बैलून्स मैंने पहले भी छोड़ देता तो यार ये कब का डाउन हो जाता। फाइनली ईगल एक्टिव हो चुका है फ्रेंड्स। जब भी ईगल एक्टिव होता है ना, तुमको रुक रुक के एक एक बेबी ड्रैगन नहीं छोड़ना है, एक साथ चारों तरफ फैला के जहाँ जाए तुम डैमेज ला सकते हो, एक साथ ही तुमको चारों तरफ ऐसा बेबी ड्रैगन फैला के छोड़ देना है, क्योंकि तुम एक एक छोड़ोगे तो वो एक एक को मारता रहेगा। एंड गाइस ईगल जिसको टारगेट कर लेता है ना उसको मार के ही छोड़ता है। तो देख सकते हो फाइनली आखिरी तक अपना क्वीन वर्क जारी था एंड ये 21 ट्रॉफी के साथ टू स्टार। अभी ये वाला बेस देख सकते हो गाइस, टाउन एंड लैंड का फुल्ली मैक्स आउट है, स्क्वायर बेस है। एक्चुअली में मुझे ऐसा बेस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यार ये वाला बेस में थोड़ा भी गलती हो गया ना तो यार क्वीन भाभी अंदर कोर के अंदर नहीं घुसेंगे तो यार थ्री स्टार निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको अच्छे तरीके से फनेलिंग थोड़ा करना पड़ेगा। फनेलिंग भी कैसे करेंगे यार, देख सकते हो यहाँ से एयर डिफेंस बहुत ज़्यादा करीब है, तो हम ये जो आउटसाइड है थोड़ा थोड़ा ही फनेलिंग कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ से क्वीन वर्क भी शुरू कर चुका हूँ। ओके, तो ये वाला एयर डिफेंस कोई दिक्कत नहीं देने वाला, क्योंकि क्वीन भाभी इजीली इनको टेक डाउन कर सकते हैं। मेरे पास और कुछ बचा नहीं है, यहाँ से लेबोरेटरी के तरफ नहीं घूमना चाहिए क्वीन भाभी। मैंने यहाँ से वॉल ब्रेकर से वॉल भी ओपन कर चुका हूँ। ओके, सब कुछ सही है, इनमिका सीसी में कुछ नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो यहाँ से देख सकते हो गाइस एक सीन हो गया था, मतलब क्वीन भाभी घूमने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ से जल्दबाजी में इलेक्ट्रो ड्रैगन को ड्रॉप कर दिया एंड एयर डिफेंस को कुछ पल के लिए फ्रीज करके मैंने कुछ बैलून ड्रॉप किया, देख सकते हो ना। तो भाई एक काला एयर माइन जो कि फ्यूज हो गया। मेरा किस्मत अच्छा था कि यार इलेक्ट्रो ड्रैगन के ऊपर ट्रिगर नहीं हुआ है डार्क माइन। अभी देख सकते हो अभी मैंने एक रेज दे दिया, जो कि यार यहाँ से कितना अच्छा वैल्यू निकाला इलेक्ट्रो ड्रैगन ने, ये देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छा वैल्यू निकाला यार, मतलब लगभग बेस का डिफेंस ही खाली कर दिया एक इलेक्ट्रो ड्रैगन ने। इसीलिए यार मैं बोल रहा हूँ टाउन एंड लाइन के लिए एक इलेक्ट्रो ड्रैगन भाई बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो मैंने किंग को भी छोड़ चुका हूँ, क्योंकि यार टाइम का भी इशू होता है, क्वीन वर्क में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बेस इजीली भाई थ्री स्टार हो गया था। एंड अभी भी देख सकते हो हीरोज का एबिलिटी पड़ा है, एक रेस स्पेल बचा है एंड एक फ्री स्पेल बचा है। ओके, इतना इजीली ये थ्री स्टार हो जाएगा मुझे पता नहीं था। इलेक्ट्रो ड्रैगन भाई पहले से मर जाता तो कुछ दिक्कत आने वाला था, लेकिन इलेक्ट्रो ड्रैगन ने बहुत अच्छा वैल्यू निकाला गाइस। इधर देख सकते हो मेरा रेस स्पेल ड्रॉप होके यहाँ से स्वाग हो चुका है एंड कुछ आर्चर मिनियन के साथ साथ यहाँ से हीरोज का एबिलिटी भी स्वाग। ये वाला बेस से मुझे 30 ट्रॉफी मिला था, जो कि यार बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स लास्ट वाला वीडियो का सीओसी जीके में मैंने आप सभी को क्वेश्चन किया था गोलेम का मैक्स लेवल क्या है, तो फ्रेंड्स आंसर है लेवल 10। तो चलिए अभी टॉप 10 कमेंटर को शाउट आउट देते हैं जिन्होंने सही आंसर के साथ कमेंट किए थे। तो इस नंबर 1 में आते हैं प्रखर मिश्र, बिग सडोडो प्रखर मिश्र एंड नंबर 2 में आते हैं विशाल पाटिल, बिग सडोडो विशाल पाटिल एंड नंबर 3 में आते हैं स्केच वर्ल्ड सौर्य, बिग सडोडो स्केच वर्ल्ड सौर्य एंड नंबर 4 में आते हैं प्रशांत एक्स ए रोल नंबर 27, बिग सडोडो प्रशांत एक्स ए रोल नंबर 27। अरे प्रशांत ब्रो ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो देख रहे हो क्या? नहीं। नंबर 5 में आते हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, बिग सडोडो कौशलेंद्र विक्रम सिंह एंड नंबर 6 में आते हैं वांटेड फॉर क्लासिंग, बिग सडोडो वांटेड फॉर क्लासिंग एंड नंबर 7 में आते हैं सूर्यकांत जैना, बिग सडोडो सूर्यकांत जैना एंड नंबर 8 में आते हैं सविता शर्मा, बिग सडोडो सविता शर्मा एंड नंबर 9 में आते हैं लेजेंडरी गेमर्स, बिग सडोडो लेजेंडरी गेमर्स एंड नंबर 10 में आते हैं प्रिंस रॉयल, बिग सडोडो प्रिंस रॉयल। फ्रेंड्स आज का सीओसी जीके का क्वेश्चन आपके लिए ये है, टाउन एंड लाइन का एक्सपो का मैक्स लेवल क्या है?
फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर मालूम होगा। तो फ्रेंड्स आंसर मालूम है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आने वाला नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा शाउट आउट। फ्रेंड्स वीडियो एंड करने से पहले फिर से एक बार आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहली बार आपने हमारे चैनल पर आए हो तो यार प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ साइड का बेल आइकन को भी एक्टिव करके ऑल पर रख लीजिएगा, क्योंकि यार 50,000 फैमिली कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना, आपका लाइक से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। एंड गाइस कुछ पर्सनली बातचीत करना है तो इंस्टाग्राम में आ जाओ, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस ये वाला वीडियो को यही खत्म करते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगले वाले वीडियो में या कोई लाइव स्ट्रीम में, तब तक हंसते रहिए खेलते रहिए द क्लास ऑफ क्लांस।